दोस्तों, मीन भगवान के मंदिर पर शिवपुराण की ये कलश यात्रा निकल रही है। और हम क्या कहेंगे, क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं, कहाँ पर जाएंगे ये? ये वसुंधरा कॉलोनी, भगवान मंदिर, भगवान की वसुंधरा कॉलोनी पर शिवपुराण है, शिवपुराण का आयोजन है और कलश यात्रा निकल रही है। कलश यात्रा, कलश यात्रा मीन भगवान की है। आम बस्ती नहीं देख रहे दोस्तों, नहीं है राज मंडी से कलश यात्रा धूमधाम से निकल रही है गाजे बाजे के साथ में। हम आपको दिखा रहे हैं लाइव और शिवपुराण की कथा शुरू होगी, लाइव दिखाएंगे हम आपके लिए।
गंगा पुष्टि के मीन भगवान मंदिर पर शिव पुराण का विशाल आयोजन किया गया और इसी उपलक्ष्य में नई मंडी से कलश यात्रा निकाली गई है। आइए मालूम करते हैं सर क्या प्रोग्राम रखा गया। वसुंधरा कॉलोनी सालोदरोड़ सिटी में शिव महापुराण का प्रोग्राम रखा गया है और ये आज जो कलश यात्रा है मंडी नई मंडी से हनुमान जी मंदिर से प्रारंभ होकर के मीन भगवान मंदिर में आई है। ये प्रोग्राम 4 तारीख तक चलेगा और सभी भक्ति अपनी भक्ति यहाँ आकर के इस रसमय कथा का आनंद लें और अपना जीवन सुधारने का प्रयास करें। हमारे व्यासी महेंद्रनाथ जी योगी महेंद्रनाथ जी के द्वारा यहाँ 4 तारीख तक शिव महापुराण की कथाओं का प्रवचन होगा। सभी श्रोता माता बहने आज लगभग 400 के आसपास कलश मात्र महिलाओं ने इसका शुभारंभ किया है और ये यात्रा मंदिर से नई मंडी से चल करके मीर भगवान मंदिर में आ चुकी है और यहाँ हमारे प्यारे योगी महेंद्रनाथ जी की तरफ से बहुत ही अच्छी मधुर ध्वनि में संगीत में कथा का जो प्रवचन होगा उसका आनंद सभी भक्त लेंगे। सभी माता बहने सभी श्रोताओं से गंगापुर निवासियों से मेरा निवेदन है कि आप जहाँ भी बैठे हैं और अपने समय निकाल करके इस महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए अवश्य पधारें। मैं मीन भगवान मंदिर समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मीन भगवान के मंदिर पर कथा स्थल सुनाई जाएगी और समय क्या रहेगा? समय 11 बजे से और 5 बजे तक रहेगा और मैं आपको बता दूं कि मीन भगवान मंदिर की स्थापना 27 जनवरी है। इस मंदिर की जो स्थापना 27 जनवरी है और हर बार 27 जनवरी को ही यहाँ कोई न कोई प्रोग्राम कभी भागवत कथा कभी शिव महापुराण कभी राम कथा हर वर्ष कोई न कोई प्रोग्राम यहाँ पर होता है। शिव पुराण दोस्तों गंगापुर सिटी में शिव पुराण मीन भगवान मंदिर पर शुरुआत होने जा रही है और इसी की कलश यात्रा निकाली गई है धूमधाम से और हमारा निवेदन है गंगापुर सिटी की जनता से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शिव पुराण सुनने के लिए और 11 बजे से 5 बजे तक 11 से 4 बजे तक रहेगी और शिव पुराण का आनंद लें और मीन भगवान मंदिर पर ये कथा शुरुआत होगी। आज कलश यात्रा निकाली गई अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। मैं हमारे भाई के परिवार से भी निवेदन करता हूँ कि इस कथा का जो प्रचार प्रसार है आप माध्यम से मीडिया के माध्यम से सभी जगह फैलाएं क्योंकि पूर्व में भी इस मंदिर का इतिहास रहा है। जब भी यहाँ कोई कथा हुई है आसपास के गांवों से भी लोगों की भीड़ आई है और कथाओं का आनंद लिया है। हमारी माता बहने सभी इसमें अत्यंत रुचि लेते हैं तो अब भी आगे का प्रोग्राम भी अच्छा हो और मैं महेंद्रनाथ जी योगी महेंद्रनाथ जी जो कुटिला वाला जी आश्रम पर रहते हैं उनकी ओर से महापुराण का जनाब 4 तारीख तक ये सुनने को मिलेगा। आप सभी माता बहन अपनी जगह पर बैठ जाए जो इधर उधर घूम रही है उनसे मेरे निवेदन है कि बैठ जाए। अभी सभी लोगों को निवेदन है कि जगह पर बैठ जाए माता बहन गंगापुर सिटी के वसुंधरा कॉलोनी में मीन भगवान के मंदिर पर शिव पुराण का आयोजन विशाल किया जा रहा है और महाराज जी करेंगे भगवान की बोले शिव महापुराण की बोले भगवान की कलश मांगने वाली माता बहन अभी नहीं जावे इतनी देर तपस्या करिए 10 मिनट और आरती करके और प्रसाद लेके जाएं फिर 1 घंटा बाद हम होने कथा चालू करेंगे। 1 घंटा का आपको समय दे दिया जाएगा उसमें आप घर पे जाके
जो भी गृह कार्य करना है वो गृह कार्य करे। पुनः हम कथा चालू करेंगे, इसलिए सभी माता बहन नहीं है। गंगापुर सिटी के मीन भगवान के मंदिर पे आप देख रहे हैं शिवपुराण कथा शुरुआत होने जा रही है, थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी। और गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ में नई मंडी से सैकड़ों की संख्या में कलश यात्रा निकाली गई। और कथा 11 से 5 का समय रहेगा और हम आपको मीन भगवान के मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों मीन भगवान के मंदिर पर शिव पुराण का कथा का विशाल आयोजन किया गया है। गंगापुर सिटी का मीन भगवान का मंदिर है प्रसिद्ध वसुंधरा कॉलोनी में। दोस्तों हम आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं गंगापुर सिटी का मीन भगवान का मंदिर। और यहाँ पर शिव पुराण कथा का आयोजन आज से शुभारंभ किया जाएगा। नई मंडी से कलश यात्रा प्रोग्राम से निकाली गई वसुंधरा कॉलोनी में मीन भगवान के हम लाइव दर्शन करा रहे हैं आपको। गणपति देवताभ्यो नमः। ॐ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित पावन भागम् नारायण प्रियमन मना विहारम वाराणसी गुरुपति भज विश्वनाथ ध्यायो ध्यान समर्पयामि श्री वरुण कलश देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं चारुचन्द्रावतंसं लल्लाकल्पोज्ज्वलं परसवरगणाधीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तिकमर व्याकृतिं वसा।